हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉग में देखिए आज मेरी बेटी ने क्या बनाया है ब्लॉग में, तो सपोर्ट कीजिए प्लीज। जो भी फ्रेंड वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। तो ये मैं कर रही हूँ बर्तन साफ, और मैं गाजियाबाद से आ चुकी थी, तो ये मैं बर्तन कर रही हूँ। और फिर कहीं भी चले जाओ आप, 2 दिन के लिए जाइए चाहे 4 दिन के लिए जाइए, थोड़ा सा सुकून तो रहता है, पर सुकून के साथ साथ ध्यान फिर भी अपनी ड्यूटी पर ही लगा रहता है, घर पर रहता है। मेरा काम फैल रहा होगा, किचन गड़बड़ा जाएगी, कि कपड़े हो जाएंगे, इस तरीके की परेशानी किस किस के साथ होती है प्लीज़ कमेंट करके बताना। भाई मेरे साथ तो बहुत होती है, मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा गड़बड़ा जाता है। और यहाँ आज मेरी बेटी बनाएगी, आगे देखते रहिए वीडियो में। तो आज मेरी बेटी बना रही है जो भी खाना है, और ये कैंडी घूम रही थी तो इसको कैंडी को बांधा है पहले, और इसने आलू छील लिए हैं, और छीलने के बाद इसने ये कट कर रही है, पानी में डाल रखे हैं साबुत आलू, और इस तरीके से कट कर रही है। तो आप गैस कर सकते हो तो क्या बन रहा है। तो ये बन रहा है चिल्ली पटैटो। तो मैं होममेड चिल्ली पटैटो बना रही है हमारी बिटिया रानी, और आपको तो पता ही है बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं, दोनों ही दो बच्चे हैं, दोनों ही मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। हेल्प के साथ साथ पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान रखते हैं। और ये प्याज को कट कर लिया है, बड़े बड़े खोल ली है प्याज को, काट कर 4 टुकड़े करके उसको खोल लिया है। और यहाँ मैं जले ना बिटिया, तो इस वजह से मैं ही पटैटो को चलने में निकाल रही हूँ, छेद वाली जो चलनी होती है उसमें, मतलब पसाना बोलते हैं बहुत से इनको, निकालना बोलते हैं कि मैंने निकाल दिए हैं चलनी में, हमारे यहाँ तो देखो पसाना बोलते हैं। तो ये मैंने निकाल दिए हैं, और साथ में देखो बच्चे बेशक करते हैं किचन में काम, फिर भी मम्मियों को लगना पड़ता है यहाँ कुछ बर्तन से, तो इनको भी मैं फिर से साफ़ कर देती हूँ। टाइम हो रहा है शाम का, और हमारी बिटिया रानी बना रही हैं चिल्ली पटैटो, तो वो अपने तरीके से बनाएंगी। कह रही थी भाई मम्मी आप कुछ मत करना, मैं अपने तरीके से बना लूँगी। हम बोले कि ठीक है आप बना लेना, और बस ध्यान रखना जल ना जाए। और बच्चे मेरे फिर भी ठीक हैं, और ये इसने बॉयल कर लिए थे हाफ बॉयल, और इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा डाल दिया है फ्रूट कलर, जो मतलब कलर होता है जिसे रेड रेड हो जाते हैं चिली पटेटो, तो एक चम्मच से कर रही है। इसमें डाल रही है तेल, कढ़ाई में तेल उतना डालें जिससे कि वो फ्राई हो सके। और इनको मैं मिला रही हूँ कि उसको लग रहा था गरम, तो हम मम्मियाँ को तो कम ही लगता है गरम। और ये इस तरीके से मिलाकर इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, और इसको हम ऐसे ही डीप फ्राई करेंगे। और डीप फ्राई करके इस तरीके से बहुत ही अच्छा, ऐसे लग रहे थे, ऐसे ही खाए थे तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि कुरकुरे हों। और जब हमने उसके बाद इसको ग्रेवी में डाला था तो वाकई में ही ऐसा टेस्ट आ रहा था मार्केट जैसा फ्लेवर। और इसने डाल दिया है प्याज, और प्याज डालने के बाद इनको चलाएंगे, और चलाने के बाद इसको जलाएंगे नहीं, हल्का ही ट्रांसपेरेंट करना है, ज़्यादा इनको जलाएंगे नहीं। फिर मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है, और इसके बाद इनमें जो मसाले डालेंगे वो लाल मिर्च पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला, नमक डाला टेस्ट अनुसार, उसके बाद इसमें डाला अजीनोमोटो। तो अजीनोमोटो इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अजीनोमोटो ज़रूर डालें, कि अजीनोमोटो से बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आ जाता है। ये डाल दिया अजीनोमोटो। अजीनोमोटो किसी भी पंसारी वाली जो दुकान होती हैं या कोई मार्ट होता है मिल जाती हैं अजीनोमोटो। और इसमें डाल दिया किसान केचप,
किसान केचप भी हम अपने हिसाब से डालें, जितनी क्वांटिटी में बनाएं उसी हिसाब से डालें। फिर डाल दिए इसमें सेजवान चटनी, तो सेजवान चटनी से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब ये जो थोड़ा सा बन गया, बच गया था ना कॉर्नफ्लोर, तो उसके मैंने लड्डू से बना लिए थे, ये भी डाल दिए हैं, ये तल लिए थे, तो इस वेस्ट ना जाए कुछ भी। और मैं खाने को कोई भी चीज़ हो मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। देखो खाने इससे हमारी ही, खाना खाकर ही हमारी आँख खुलती है, सही बताएं तो। भूखा एक दिन रह लेगा इंसान, दो दिन रह लेगा, 9-10 दिन जो भी व्रत रहते हैं, पर ये अन्य देवता से ही हमारा पेट भरता है। तो इनको वेस्ट ना करें और उतना ही बनाएं जितने घर में सदस्य हों और ख़त्म हो जाए। और इनको ऐसे ही चलाते रहेंगे, थोड़ा हल्का तेज रखेंगे जिससे कि और ज़्यादा क्रंचीपन आ जाए। और फिर इनको गरम गरम इनको खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और होममेड तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अपनी पसंदीदा से खूब सारे बनाकर खाइए और बहुत टेस्टी लगते हैं। मेयोनीज के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए। इसमें डाल दिए हैं मैंने डेकोरेट करने के लिए सफ़ेद तिल, तो आप सफ़ेद तिल से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, मेयोनीज से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, और जो देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने अच्छे लगेंगे, और वो भी होममेड। होममेड चीज़ तो वाकई में बहुत ही अच्छी लगती है। ऊपर से डाल देते हैं मैं सफ़ेद तिल, और ऊपर से डाल दूंगी मैं, मेयोनीज थी नहीं तो मेयोनीज की जगह मैंने इसमें डाली है दूध की मलाई, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और मैंने भी खाकर देखे थे, बिटिया कह रही थी मम्मी खा के देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं, तो मैं बोली ठीक है मैं खा के दिखाती हूँ। तो जब मैंने खाए थे तो वाकई में मार्केट जैसा ही फ्लेवर आ रहा था, तो गर्म थे तो मैं देख थोड़ा ठंडे आपको बोल रही थी आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स, मेरी बेटी ने बनाए हैं तो आप भी खाइए, हमारी बेटी को प्यार और सपोर्ट दीजिए प्लीज़। और हाँ वाकई में बहुत ही यमी बने थे, मज़ा आ गया था, बिल्कुल मार्केट जैसे पेट भी भर जाता है। और बच्चों को चाहे कैसा भी बनाएं बच्चे, और उनकी अच्छी तारीफ कर देनी चाहिए तो खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, बाय बाय।